लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज मनपायुक्त से मुलाकात में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम करने की मांग की। आयुक्त अभिजीत बांगर से चर्चा के दौरान गणेश नाइक ने कोरोना उपचार के लिए ऑक्सीजन बेड, औषधियां और पर्याप्त आरोग्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरी और स्लम इलाकों में स्वच्छता को प्रमुखता देते हुए सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। इस अवसर पर महापौर जयवंत सुतार, अनंत सुतार, सूरज पाटिल समेत कई पदाधिकारियों ने अपना मुद्दा सामने रखा, जिस पर विधायक गणेश नाइक ने समाधान की मांग की। देखिए रिपोर्ट। नवम्बईकरों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने और जरूरी आरोग्य इंतजाम करने की मांग के साथ आज ऐरोली के बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने मनपायुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात और चर्चा की। यहां महापौर जयवंत सुतार, अनंत सुतार, सूरज पाटिल, जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत और दशरथ भगत समेत कई पदाधिकारियों ने अपने प्रभाग के समस्याओं को सामने रखा, जिस पर चर्चा करते हुए लोक नेता गणेश नाइक ने आयुक्त से समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी डेल्टा लहर ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए उसे बचाव के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड, औषधियाँ और आरोग्य कर्मी मौजूद होने चाहिए। इसके साथ ही लोक नेता ने मानसूनी बीमारियों से बचाव के लिए शहरी और स्लम इलाकों में स्वच्छता को प्रमुखता देने का सुझाव दिया और कोरोना से बचाने नागरिकों का 100% वैक्सीनेशन कराने पर जोर दिया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पहिल्या लाटेनंतर दुसरी लाट येईल असं आपल्याला वाटलंच नव्हतं, परंतु दुसरी लाट आली आणि ती अतिशय गतीनं आहे। आता तिसरी लाट येऊ घातलेली आहे। डेल्टा नावाचा जो विषाणू आहे, म्हणजे मूल कोविडचाच विषाणूचा, त्यानं आपलं स्वरूप बदललेलं आहे। एकूण आपण जे त्याच्यावर प्रहार करतो त्या प्रहारातून वाचून जिवंत राहण्याचा प्रयत्न आहे आणि तो अतिशय गतिमान आहे। अशा प्रकारची उच्च शिक्षित आणि तज्ज्ञ असलेल्या लोकांच्याकडून ती माहिती मिळते आणि म्हणून तिसऱ्या लाटेला सामोरे जाताना पुन्हा मी आठवण करून देतो की आम्ही सांगितलेले की साध्या कॉट्सची संख्या वाढवा, ऑक्सिजनच्या कॉट्सची संख्या वाढवा, आयसीयूची संख्या वाढवा, व्हेंटिलेटरच्या कॉट्सची संख्या वाढवा, औषधं मोठ्या प्रमाणामध्ये खरेदी करा आणि याचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून एकूणच मास्कचा वापर करण्यावर लोकांना अधिकारानं आणि आग्रहानं सांगणं, सोशल डिस्टन्स ठेवणं, वारंवार हात स्वच्छ करणे, सुदैवानं नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 याच्या अनुषंगानं जी केलेली एकूण कारवाई, तिचा फायदा कोविडचा प्रसार होऊ नये म्हणून त्या ठिकाणी होत आहे। आपल्या शहरामध्ये अतिशय अद्ययावत ज्याला आपण नोड म्हणतो, नोड आहेत, गाव आहे आणि झोपट्टी आहे आणि ह्या अशा परिस्थितीमध्ये स्वच्छता ठेवणं वगैरे म्हणजे माझी जबाबदारी, माझं कुटुंब माझी जबाबदारी, मीच जबाबदार, ह्या गोष्टी ठीक आहेत, परंतु जोपर्यंत लसीकरण होत नाही तोपर्यंत काही खरं नाही। गौरतलब है कि गणेश नाइक कोरोना की महामारी और उससे जुड़े निवारक इंतजामों को लेकर लगातार आयुक्त से मिलते रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी नेता गणेश नाइक की लगातार मांग और पहल के बाद ही मनपा प्रशासन तमाम इंतजाम करने में सफल हो सका है। जाहिर है गणेश नाइक की पहल नवम्बईकरों की जान बचाने में और सुविधाएँ मुहैया कराने में मददगार बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।